ऐसे करके तो यहाँ तक है अपना फार्म हाउस, यहाँ तक बन रही है। ए बाबा बहुत पैसा फेंकना मेरा ऊपर, थैंक यू खरीदाओ। Hello everyone, this is Beyond Basmati and welcome back to my YouTube channel Beyond Lifestyle again. तो दोस्तों आज मेरा व्लॉग हिंदी में होने वाला है क्योंकि बहुत सारे तो नहीं, कुछ दोस्त लोग हैं मेरे अरुणाचल प्रदेश से, तो उन्होंने बताया कि तुम वीडियो असमिस में बनाते तो हमें इतना समझ में नहीं आता है, तो दोस्त हकने से हिंदी में बनाओ बोल के बोल रहा था मुझे, तो इसी कारण मैं अभी से ब्लॉग आज से तो मैं हिंदी में स्टार्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है, मैं आया हूँ अपने फार्म पे। तो दोस्तों अभी बजा है सुबह का 7 और मैं घर से निकला था 6 बजे, और आजकल ठंड पड़ने वाला गया है थोड़ा, तो इसलिए मैं जंपर लगा के आया हूँ। अभी तो फिलहाल गर्म लग गया, सुबह सुबह तो ठंडा होता है, बाइक लेके आया हूँ तो ठंडा लग जाता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ मेरा वेटरनरी फार्म का, थोड़ा आप लोगों को टूर कराता हूँ मैं, उसके बाद आज थोड़ा काम लगाने वाला हूँ, वो सब आपको दिखाता हूँ मैं। तो और ये है बटरनट फार्मिंग, तो ये गाछी हो गया आपका, ऑलमोस्ट 6 साल हो गया और है, धीरे धीरे देखते जाइए आप लोग किस तरह से करते हैं। डिस्टेंस देखिए आप लोग, डिस्टेंस क्या के लिए रखा गया है, डिस्टेंस के लिए रखा जाता है। तो ऑलमोस्ट और अगले साल तक कुछ पेड़ जो फल देने वाला है, मतलब प्रोडक्शन देने वाला है, कुछ है, ऑलमोस्ट 40-50 ऐसा पेड़ है, और बाकी सब भी और 1 साल लगेगा, और छोटा पेड़ भी है जो वो सब और 3 साल करीब, और 4 साल, 3 साल कोई 3 साल और 4 साल में लगने वाला लग जाएगा। और दोस्तों मेरा चूल काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं काटूँगा, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, तो जैसे ठंड का मौसम ख़त्म हो जाएगा उसमें चूल छोटा काट दूँगा, तो फिलहाल थोड़ा लंबा ही रहने देते। और दोस्तों ये केला का पेड़ बीच में लगाया हुआ है, और ये है मेरा रेस्ट हाउस, मतलब थोड़ा बहुत जब भी आता हूँ थोड़ा चिल करके, थोड़ा यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके मैं यहाँ में रेस्ट करता हूँ, उसके बाद आराम करके घर चला जाता हूँ। After 5 hours later. तो दोस्तों जंगल काट के थोड़ा थक गया अभी, तो मेरा लंच टाइम हो गया, तो मैं अभी लंच करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या क्या लेके आए मम्मी और भाई आया घर से। तो देखिए यहाँ पे है, ये दिख रहे हैं आप लोग, ये केकड़ा और मच्छी है, यहाँ पे मच्छी है। तो और क्या लाया ये, तो दोस्तों ये है, इसको कहते हैं ओटेंगा, मतलब आपको हिंदी में कैसे समझाऊँ, खाते वक्त दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ओटेंगा और मच्छी का झोल। तो और इधर खाना है, तभी मैं खाने वाला हूँ अपना लंच, तो देखते रहिए गाइस। तो दोस्तों इसको मैं अभी तोड़ रहा हूँ, ये रहा इसका ढक्कन खोल दिया मैंने अभी, तो ये देखिए दोस्तों केकड़ा, ये रहा इसका अंदर में ऐसा होता है दोस्तों, देखो ना ना जानो तो एकड़ा इसको अभी खाएगा, इसका ढक्कन है आप लोग ढक्कन मत खा लेना फिर। तो दोस्तों ये साइड में छोटा वाला पार्ट है,
तो यहाँ से आप लोगों को जो 6 साल होने वाला पैर जितना है वो सब मैं दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को कि तामूल पकेट आसे ये तो खा बन वारे कुमुलिया है जो अभी आप लोगों को दिखाया था वो छोटा वाला पार्ट है। तो ये थोड़ा छोटा पार्ट है और ये पार्ट जो है और 3 साल 3 to 4 years के अंदर में ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा देखिए ये रहा ये 6 ईयर हो गया ये। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और इधर में अपना धान खेती है धान खेती लगाया है। तो और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कौन टू तामूल तामूल याद लगी से गसत सबिया याद। तो ये रहा फार्म का। तो देखते रहिए गाइस ये रहा। तो अभी मैं अपना लंच ख़त्म किया। लंच ख़त्म करने के बाद अभी तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा तो थोड़ा इधर में काम चल रहा है थोड़ा जंगल बहुत ही लंबा हो गया था तो थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लंच कर रहा था अभी थोड़ा आगे। तो मैं कुछ 2-3 वीडियोस में जितना भी अपना यूट्यूब में दिया हूँ मैं अपना भाई का फ़ोन से वीडियो बना रहा था। तो फ़िलहाल अभी भाई का फ़ोन ऑफ हो गया तो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को एक क्वालिटी वाला वीडियो देखने को मिलेगा। तो मेरा ये फ़ोन जो मैं जिस फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये फ़ोन का कैमरा इतना खास नहीं है तो इसलिए मैं दूसरा फ़ोन लेने वाला हूँ और कुछ 4-5 दिन के बाद। तो देखते रहिए गाइस तो अच्छा क्वालिटी देखने मिलने वाला है आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के बाद से। तो ये रहा दोस्तों 6 साल के बाद फल 6 साल के बाद फल मिला है। इतने साल केयर करने के बाद अभी अगला साल तक लग जाएगा ये। तो ऐसे 3-4 है और ऐसे कोई ये रहा ये कॉल डील ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये रहा मेरा भाई अभी मेरा ये तामूल काटेगा अभी तो तामूल खाएगा ये घर का पहला तामूल जो अपना फार्म का है तो इसको हम लोग खाने वाला है अभी। तो ये है डाव जो भी पंखा लगा काट देगा तो दोस्तों ये रहा और इधर भी बहुत सारा वैसा फूल तो बहुत सारा खिला है तामूल दिया वाला। अभी ऑलमोस्ट अभी तक मैं 5 पेड़ मिल गया है अभी ढूंढ रहा हूँ। और ये रहा दूसरा और हे और पता नहीं कहाँ का है ढूंढना पड़ेगा। उस टाइम ढूंढते वक्त मुझे 5 मिल चुका है अभी और इधर ही कहीं पे एक था बोले तो एक पेड़ में एक ही लगा है ये देखिए ये रहा बिचाला अकेला नहीं दो है वो साइड में एक है। तो ये रहा तो आप लोगों को बता दूँ इसमें है कितना पेड़ लगाया है। तो यहाँ पे है 8.5 बीघा का यहाँ पे तामूल का खेती किया गया है। तो 8.5 बीघा का उसके बाद पोखरी तो कितना आसले 1.5 2 देखा ये तो बहुत कुमलिया था छोटा था मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ था तो इतना अच्छा है तामूल। तो ये तो बारीर फास्ट तामूल वाला पूरा करी खा मैंने खाई लो अगर हे बाबा बहुत पैसा फेंकला मेरा ऊपर थैंक यू खाने जाओ। किंतु बहुत पूरा हम तो ये पार्ट थोड़ा छोटा है ये पार्ट काटी दे। तो ये पार्ट भी 3 to 4 years ऑलमोस्ट ये और ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भाई थोड़ा काम कर रहा है यहाँ पे बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ है पता नहीं आगे जाके क्या होगा। आई होप भगवान भी थोड़ा साथ दे। तो यहाँ पे मैं
सोच रहा था कि था नहीं हूँ रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट बनाऊंगा जो होम स्टे, जो अपना फैमिली के साथ आके रह सके। कपल्स भी अलाउड है, कोई बात नहीं, पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जरूर आना, अगर इनकेस हुआ तो मैं खोला तो यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये जगह पे ये पार्ट में थोड़ा जब फिशरी खोलूँगा, सोचा हूँ फिशरी तो खोलना ही है, तो एक छोटा छोटा सा पार्क टाइप का बनाऊँगा। अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम ठहरे मिडिल क्लास के लड़के, मिडिल क्लास के फैमिली वाले, इतना पैसा नहीं होता है हम जैसे लोगों के पास, तो आप सभी को तो पता ही है मिडिल क्लास लोग किस तरह से एग्जिस्ट करके चलता है, तो हर एक चीज़ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो क्योंकि इतना पैसा तो होता नहीं। अभी आप खुद ही सोचिए, कुछ करने जाने से पहले कितना लाख सौ रुपीज़ फेंकना पड़ेगा, तो हम जैसे लोगों के पास तो इतना पैसा होता नहीं, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग साथ दे मतलब सपोर्ट करें। ये पार्ट हो गया दोस्तों, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये सब भी। और दोस्तों ये सब जितना भी पेड़ है, छः साल हफ्ता में रोज़ दो दिन एक दिन आना पड़ा है देखभाल करने के लिए, देखने के लिए। तो वैसे तो यहाँ पे दीदी और जीजा जी रहते हैं, तो अभी दूसरा का भरोसा तो नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें भी आना पड़ता है, जंगल साफ कराना पड़ता है, थोड़ा पेड़ को देखभाल करना पड़ता है। तो 6 साल तक ऐसा किया हमने, मैंने, पापा ने, मम्मी, भाई, सभी ने, तो बहुत मेहनत की है। तो अभी और टाइम है बस, और 4 साल के बाद सारा का सारा पेड़ लग जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा आराम हो जाएगा। तो ये सब का जंगल भी काटना बाकी है, तो ये रहा, बहुत ही घना जंगल है। ये रहा डाउन, ये डाउन का पेड़ अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। ये रहा बाउंड्री अपना, यहाँ से है, तो और ये आगे में अपना धान खेती लगाया जाने, तो वो रहा हमारा पोखरी, जो फिशरी यहाँ पे, वहाँ से पता नहीं कितना आगे तक है, यहाँ तक फिशरी बनाएंगे, देखते हैं आगे। और कुछ साल, एक्चुअली अभी ये साल ही बनाने वाला था, तो ये साल नहीं होगा क्योंकि अभी धान है, धान ख़त्म हो के अगला साल हो जाएगा, क्योंकि धान को अभी सुखाना है, निकालना है, उतने में टाइम लग जाएगा। जब धान ख़त्म होते होते अगला साल हो जाएगा, तो अगला साल हम लोग यहाँ पे पोखरी बनाएंगे, पोखरी बोले तो मच्छी के लिए फिशरी। ये रहा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताने वाला हूँ बेटलनाथ फार्मिंग के बारे में। इस बेटलनाथ जो तामुल का जो खेती है, सुपारी का खेती, इसमें आप देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ से इतना डिस्टेंस क्यों है, किस लिए मैंने इतना डिस्टेंस रखा है, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे जाके, तो देखते रहे वीडियो के एंड तक। और लोग कहते हैं कि 5 साल में तामुल का जो खेती होता है, तामुल का जो पौधा लगाने से 5 साल में बड़ा हो जाता है, 5 साल के बाद आपका प्रोडक्शन देने शुरू हो जाता है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कि मैं खुद प्रैक्टिकली मैं खुद देखते आ रहा हूँ, 6 साल हो गया, 6 साल में अभी तक आपका चार पाँच जो अभी मैं तामुल खाया आपने देखा है, पहला तामुल है, वो पहला बेटलनाथ है, सुपारी नहीं है, तामुल। तो सुपारी तो जब बाद में सुखा के बनाया जाता है, तो पहला है, तो 6 साल हुआ है, उसके बाद जाके मैं खाने मिला है। ऑलमोस्ट आपको अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, एट ईयर्स लगता है दोस्तों, 8 साल के बाद लगता है, इतना मेहनत नहीं, इतना सहन शक्ति, इतना शक्ति होना पड़ेगा आपके पास अगर आप सुपारी का खेती कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, बहुत बहुत रुकने के बाद आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाया बस हो गया, ऐसा नहीं है, तो आप लोगों को देखभाल भी करना पड़ेगा पेड़ का। अभी आप 100 पेड़ लगाया, उसमें से 100-200 में से तो एक पेड़ होने से भी, दो पेड़ होने से भी उसका बीमार होता है, पेड़ का भी बीमार होता है, पेड़ मर जाता है, उसका देखभाल करना पड़ेगा, आप लोगों को देखभाल करने जानना पड़ेगा दोस्तों। तो वैसे लगाने से नहीं होता है, हर चीज़ में आपको मेहनत लगता है। आप लोग सोचते हो कि बस इतना पेड़ लगा दिया तो हो गया, वैसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है,
ये रहा ये पार्ट का भी ज़्यादा साल नहीं है, तो कुछ कुछ पेड़ मतलब थोड़ा बड़े में लगाया था, वो पेड़ 6 साल में हो गया। अभी ये सब थोड़ा लेट से लगाया था तो टाइम लग रहा है अभी, तो होने वाला है ये सब भी हो जाएगा धीरे धीरे। ये पेड़ तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि मेरा फार्म हाउस कैसा लगा। फार्म हाउस तो बनाया नहीं, अभी फार्म हाउस बनाएंगे, तो फार्म कैसा लगा। तो ये रहा ये पार्ट से, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन नहीं, वो आगे वाला लाइन से थोड़ा बड़ा बड़ा वाला है। ये रहा, तो ये रहा, यहाँ पे मैं लंच किया था, लंच करके हो गया। तो यहीं पे मैं बसने वाला हूँ कुछ महीने के बाद, तो मेरा आराम की ज़िंदगी ख़त्म होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे रह के मुझे अपना बिजनेस थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। देखा देखा यार, मेरा मम्मी देख सकते हैं, इतना सुंदर जवान लग रहे हैं। तो यार ये दीदी, और इधर में भैया, एक इधर में थोड़ा घास वास काट रहे, तभी हम भी लगने वाला है काम पे। देखा सुन देखा কান্দি আছে কি কান্দিছে আপুনি কিয় কান্দি আছে ইমান দুখ কিয় ইমান দুখ আপোনাৰ जंगल काटा दू। तो दोस्तों अभी जा रहा है ये दाना देने के लिए मच्छी को। मच्छी बहुत दिन में, एक महीना हो गया तो दाना नहीं दिए, तो वो लोग धरती के नीचे छुप गया, तो इसलिए मच्छी दाना देने से भी नहीं निकलते अभी। तो उसके लिए जो फीड होता है, मच्छी का फीड होता है, वो देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो फीड तो है नहीं, तो लेके आया उसी जो राइस पुलिस बोलता है, वो राइस पुलिस सॉरी राइस पुलिस नहीं राइस पॉलिस, वो लेके आया है, तो वो अभी देते हैं। तो निकलता नहीं है इतना, तो 4000 का मच्छी छोड़ा था 4 महीना पहले, तो था बड़ा बड़ा भी हो चुका था, तो अभी अंदर में है। तो ये जो राइस पॉलिस है वो देने से इतना फटक से नहीं निकलता है। तो ये रहा, तो यहाँ से फ्लो जाओ पर है, तो यहाँ से तो पानी है, तो यहाँ से कूदना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को ये साइड का मैंने दिखाया नहीं है, ये साइड का भी दिखा देता हूँ। ये साइड का भी ऑलमोस्ट 4 ईयर्स थे, और 4 नहीं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, कोई कोई है ऐसा पेड़ है जो 4 ईयर्स लगेगा, कोई कोई है 3 ईयर्स में होने वाला है। तो यहाँ से तो हम लोग जा रहे हैं दूसरा का घर का रास्ता से, यहाँ से जाते हैं। तो ये दूसरा का बाउंड्री है, हमारा बाउंड्री है। हाँ शहर पुआली कटा जो यहाँ पे एटा दे रही आगर पर हवा इफिले आई है। तो ये रहा पुखरी, तो ये तो आप लोगों को मैंने थोड़ा छोटा सा टूर करा दिया अपना फार्म का, तामुल का सुपारी का खेती का। तो मेरा फार्म यहाँ से क्लियरली दिखाई देगा थोड़ा यहाँ से। तो मैं लंच कर रहा था यहाँ पे, वो देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरा रेस्ट हाउस यहाँ में है मेरा, यहाँ देख सकते हो दोस्तों। तो वो बाउंड्री है, तो ऐसे करके
तो यहाँ तक है अपना फार्म हाउस, यहाँ तक बाउंड्री है। तो ये दाना दे दिया भाई ने, तो मच्छी खाते रहेगा वो। तो यहाँ से अभी निकलते हैं दोस्तों, बहुत थक गया थोड़ा। आप लोगों को मैंने अपना मेथनर फार्म दिखा दिया, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। बहुत थक गया, घर जाना है जल्दी, जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करना है, नहा के नहा धो के रेस्ट करना है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका वीडियो कैसा लगा।